की ओर, मुजफ्फरनगर यूपी मुजफ्फरनगर के यूपी रोडवेज की शटल बस सेवा शुरू, योगी सरकार ने किया 25% छूट का ऐलान। मुजफ्फरनगर के से थाना भवन जाने वाले लोगों के लिए ये खबर किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इस मार्ग पर बसों की किल्लत झेलने वाले लोगों को सरकार ने राहत देते हुए भाड़े में 25% की छूट वाली एक शटल बस सेवा उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी ट्रैफिक ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर परिवहन विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर शहर के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग मुजफ्फरनगर ने काली नदी से शटल बस सेवा प्रारंभ की है, जिसके सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार और एसपी ट्रैफिक बीबी चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, एसपी ट्रैफिक बीबी चौरसिया और मुजफ्फरनगर रोडवेज एआरएमए बीपी अग्रवाल ने बताया कि यहां काली नदी से हर 30 मिनट के बाद मुजफ्फरनगर से थाना भवन के लिए एक शटल बस सेवा प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि ये बस सेवा सुबह 7:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मिलेगी। वहीं इस शटल बस सेवा के अंतर्गत किराए में 25% के साथ भारी छूट प्रदान की गई है। ये शटल बस मुजफ्फरनगर के से चलकर चरथावल से होते हुए थाना भवन पहुंचेगी। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्टेशन मास्टर बनाया गया है, जो यात्रियों की हर समस्या का समाधान करेगा। इस तरह की शटल बस सेवा चालू होने से यात्रियों को ज्यादा लाभ मिलेगा और साथ ही लोगों को जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।